हिंदी की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद हार्दिक स्वागत है तो आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक अध्यापक पूर्ण सिंह जी के द्वारा लिखा गया निबंध नैनो की गंगा नैनो का अर्थ होता है नेत्र आंखें गंगा आपको पता ही है गंगा का अर्थ यहाँ पर है आँखों में से पानी बहना आप कोई भी टॉपिक नया करते हो तो सबसे पहले उस टॉपिक के उस कंसेप्ट के शाब्दिक अर्थ आपको पता होने चाहिए तो यहाँ पर नैनो की गंगा का अर्थ है कि आंखों में से आंसू आना अथ्रु आना अश्रु आना तो हम शुरू करती हैं कि इसमें क्या ऐसी बात है जो पूर्ण सिंह जी ने नैनो की गंगा निबंध लिखा सबसे पहले पॉइंट है भूमिका नैनो की गंगा शीर्षक निबंध के लेखक अध्यापक पूरण सिंह जी ने नैनो की गंगा अर्थात कन्यादान के समय कन्या के अपने माता पिता का घर छोड़ते समय जो आंसू उसकी आंखों से बहते हैं वे गंगा के सामान पवित्र हैं तो भूमिका में ही पता चल गया कि नैनों की गंगा का क्या अर्थ है कि कन्यादान करते समय कन्या की आंखों में और उसके माता पिता की आंखों में जो आंसू आते हैं उन्हें गंगा के समान पवित्र माना गया है या गंगा की तरह आंसू आंसू बहने वाले माना गया है दूसरा पॉइंट है व्यवहारिक उपयोगिता का उल्लेख का वर्णन लेखक ने व्यावहारिक उपयोगिता का वर्णन किया है अपने उद्देश्य के लिए लेखक ने अंग्रेजी कवि सर वाल्टर स्कॉट की एक कविता लेडी ऑफ द लेक जो कविता का नाम है बाल्टर स्कॉट की एक कविता है ये अंग्रेजी के लेख कवि हैं। लेडी ऑफ द लेक का उदाहरण भी दिया है पाश्चात्य कवि ने कहा कि पुत्री की बधाई के समय जो पिता की आंखों में आंसू आते हैं उनमें दिव्य प्रेम झलकता है तो इसे अंग्रेजी कवि ने कहा है लेडी ऑफ द लेख इस कविता में लिखा है कि पिता की आँखों में यदि वह अपनी पुत्री की शादी करता है तो उस समय जो आंसू आते हैं आँखों में आंसू आते हैं उस आंसुओं में पवित्र प्रेम झलकता है पवित्र प्रेम होता है तीसरा पॉइंट है कन्यादान के महत्व पर प्रकाश डालना अध्यापक पूर्ण सिंह जी ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लेखक भारत में प्राचीन काल से चले आ रहे हैं कन्यादान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि कन्यादान और पति व्रत धर्म दोनों एक ही फल प्राप्ति का प्रतिपादन करते हैं किंतु आजकल के कुछ लोग कन्यादान को गुलामी की जंजीर मानते हैं उनका कहना है ये प्रमुख बात है जो आगे बोलने वाले हैं उनका कहना है कि कन्या भी कोई गाय भैंस की तरह है जहाँ बेजुबान वस्तु है जिसका दान किया जाए जहां दान करा जा सके तो लेखक का मानना है कि कन्या का दान नहीं किया जा सकता क्योंकि कन्या कोई गाय भैंस नहीं है कोई पालतू पशु नहीं है जिसे आप दान में दे दें। यह गुलामी की जंजीर नहीं है जो लोग मान रहे हैं उनका कहना है कि किंतु लेखक का विचार है कि ऐसा लोग अपने ज्ञान की कमी के कारण कहते हैं कि हमने कन्या का दान करना है ये लोग गंभीर विचार वाले नहीं हैं और गंभीर विचार नहीं करते जीवन के आत्मिक निजमों की महिमा को नहीं समझते लेखक का मत है कि कन्यादान का आत्मिक भाव से वही अर्थ है जो सावित्री सीता दमयंती और शकुंतला ने अपने आप को दान करते हुए लिखा था आगे है चार नंबर पॉइंट चौथा पॉइंट ऋषियों के द्वारा कन्यादान का वर्णन लेखक ने कन्यादान के रिवाज को आर्य ऋषियों द्वारा बनाई विवाह पद्धति का एक आध्यात्मिक उत्तर मानते ऋषियों ने नरारी से में परस्पर प्रेम भाव उत्पन्न करने के लिए ही यह विवाह पद्धति बनाई थी कि उनका प्रेम प्यार बना रहे इसलिए उन्होंने यह पद्धति अपनाई थी कन्यादान वाली लेकिन विवाह समय किए जा रहे हवन में डाली गई पहली आहूति में ही पति पत्नी दोनों एक दूसरे को अर्पण कर देते हैं दोनों आध्यात्मिक तौर पर एक दूसरे को दान कर देते हैं लेकिन आज क्या है आज तो सिर्फ कन्या का ही दान होता है लेकिन पति का दान नहीं होता एक लड़के का दान नहीं होता लेख का मानना है कि यदि पहली शादी होती थी पुरातन समय में शादी होती थी तो दोनों ही दान कर देते थे पति पति-पत्नी दोनों अपने आप को एक दूसरे के लिए सौंप देते थे लेकिन आज के समय ऐसा नहीं होता कन्या की आंसू गंगा के समान का महत्व अगला पॉइंट है कन्या के आंसू गंगा के समान है लेखक का आग्रह है लेखक का आग्रह है कि इस निष्कलुष इस निष्कलुष पावन गंगा जल के समान हर किसी को कन्यादान के समय कन्या की आंखों से बहने वाले आंसुओं की गंगा में हर किसी को स्नान करना चाहिए यह हर किसी के लिए कल्याणकारी है माता पिता के लिए भाई बहनों के लिए सगे संबंधों के लिए सखियों के लिए सखियां होती हैं, सहेलियां यहाँ तक कि स्वयं कन्या के लिए कल्याणकारी है कि शादी के, के समय उनकी आंखों में आंसू पवित्र आंसू आने ही चाहिए उनके वैराग के आंसू आने ही चाहिए जो कि सभी के लिए कल्याणकारी सिद्ध होते हैं क्योंकि यह सभी विवाह उत्सव में शुद्ध हृदय से शामिल होते हैं क्योंकि उनका मन पूरा उस शादी में होता है छे नंबर पॉइंट है कन्यादान को पश्चिमी सभ्यता का बुलाने का वर्णन। जो कन्यादान है है लेकिन आज के समय जा रहा पश्चिमी सभ्यता ने उसे खत्म कर दिया है लेखक का विचार है कि कन्यादान महत्व को पश्चिमी सभ्यता ने बुला दिया है तभी तो हर रोज कोर्ट कचहरी में तलाक मुकदमो में वृद्धि हो रही है क्योंकि आज का कन्यादान कन्यादान नहीं रहा आज तो डिवोर्स हो रहे हैं मुकदमे चल रहे हैं तलाक हो रहे हैं लोग कचहरियों पर घूम रहे हैं गिरजाघरों में जो जोड़े कल बने लेखक का अति महत्वपूर्ण कथन है इनका कहना है कि गिरजागुरों में जो जोड़े कल बने थे अर्थात कल जिनकी शादी हुई थी गुरुद्वारा में मंदिर में मस्जिद में गिरजा घरों में लेखन लेखक ने सिर्फ गिरजागुरों की बात की है जोड़े बने हैं आज टूट रहे हैं जिनकी कल शादी हुई है आज टूट रही है उसका कारण क्या है पश्चिमी सभ्यता और बने जोड़े कल रहेंगे या नहीं रहेंगे यह कोई नहीं जानता तो लेखक ने जहाँ प्रश्न चैनल लगाया है कि शादी तो हो गई है लेकिन कब तक रहेगी या कितना समय रहेगी कल तक रहेगी या न रहेगी यह कोई नहीं जानता सात नंबर पॉइंट है कन्यादान के महत्व को समझना तो विवाहित जीवन में आध्यात्मिकता भावना को समझने के लिए कन्यादान के महत्व को समझना होगा यह कहना गलत नहीं होगा कि लेखक अपने उद्देश्य की प्राप्ति में पूर्णतः सफल हुआ है उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि यदि हम कन्यादान को नहीं समझेंगे तो संसार का कल्याण असंभव है इसी प्रकार रिश्ते बनते रहेंगे और टूटते रहेंगे तो अंत में लेखक यही प्रार्थना है जहाँ लोगों से आग्रह है उनका कहना है कि कन्यादान को समझना होगा कि हम कन्या को दान क्यों कर रहे हैं क्योंकि दान एक तरफ नहीं होता दान दोनों तरफ होता है उनका मानना है कि पहले जो होता था दान वो कन्या का और पुत्र का दोनों का दान होता था पति पत्नी दोनों को समर्पित कर देते थे इसलिए हमारा परिवार आगे तक चलता था लेकिन आज कुछ पश्चिमी सभ्यता ने ऐसा कुछ फैला दिया है जहाँ ऐसा कुछ हमारे समाज में हो रहा है कि जोड़े कल बनते हैं कल शादी होती है और दूसरे दिन शादी टूट जाती है तो इसी का वर्णन लेखक ने किया है तो आज के लिए बेटा इतने ही कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे नया टॉपिक करेंगे संयम रखने के लिए धन्यवाद शुक्रिया जी थैंक यू